ऐतिहासिक जानकारी देने की श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी देंगे केवाई माता की। केवाई माता को विभिन्न जातियां अपनी कुलदेवी मानती है और केवाई माता के मंदिर की जो स्थापना है वो दैया क्षत्रिय राजवंश के राणा चच ने अपनी कुलदेवी के रूप में की थी, यानी जो दैया क्षत्रिय राजवंश है उनकी कुलदेवी केवाई माता है। और देखिए अरावली की सुरम्य पहाड़ियों के अंदर स्थित केवाई माता मंदिर के मनोरम और सुंदर दृश्य। ऊंची पहाड़ी पर बना केवाई माता का देवालय सदियों से श्रद्धालुओं की कामना पूर्ण करने व जन आस्था का केंद्र है। देवालय के खड़ी पहाड़ी पर होने के चलते दुष्कर चढ़ाई से श्रद्धालुओं को निजात दिलवाने के लिए पक्की सीढ़ियां बनवाई गई है। सर्पिलेकार मार्ग पर बनी 1141 सीढ़ियों का प्रयोग कर भक्तगण अपनी आराध्य देवी के दर्शन करने आसानी से ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर दर्शन लाभ लेते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता लिए मंदिर के निमित्त 6000 बीघा भूमि पर ओरण यानी अभ्यारण्य छोड़ा हुआ है, जो एक ओर माता की ओर से पशुओं के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण करने हेतु चारागाह रूपी शोगात है, वहीं वर्षा ऋतु में छाने वाली हरियाली माता के दर्शन करने आने वाले भक्तगणों को नई नाभिनाम मनोरम दृश्य उपलब्ध कराती है। आदिकाल से ही शक्ति के उपासक क्षत्रियों के विभिन्न वंशों ने शक्ति के प्रतीक माँ दुर्गा की विभिन्न नामों से उपासना आराधना की। भारतीय संस्कृति की संजीवनी रहे इसी शक्ति धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए क्षत्रियों के 36 राजवंशों में सुमार दैया क्षत्रिय राजवंश ने शक्ति रूपा माँ केवाई को कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया और माँ की केवाई माता के रूप में पूजा अर्चना और उपासना की। दैया क्षत्रिय राजवंश के बारे में माना जाता है कि सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में सतलज नदी के पास इस वंश का गणराज्य मौजूद था। इतिहासकार देवी सिंह मंडावा के अनुसार वहां इन्होंने एक किला बनवाया था जिसका नाम साहिल था, जिसके कारण इनकी एक शाखा साहिल कहलाई। माना जाता है कि सिकंदर के समय ये द्राहिक और द्राफी नाम से भी प्रसिद्ध थे, फिर वहां से ये दक्षिण गए। दक्षिण के अलावा राजस्थान में भी पर्वतसर, मारोठ, नेणवा बूंदी इलाके, जालोर, सांचोर, नाडोल और अजमेर जिले में सावर, गठियाली, मारवाड़ में हरसोर आदि कई क्षेत्रों में दहियाओं का राज्य था। राजस्थान की नागौर जिले की वर्तमान पर्वतसर तहसील, जिस पर कभी दहिया राजवंश का शासन था, इसी पर्वतसर कस्बे से 12 किलोमीटर दूर किंसरिया नामक गांव की पहाड़ी पर पर्वतसर के दहिया वंश के शासक राणा चच ने विक्रम संवत 1056 अपनी कुलदेवी केवाई माता की प्रतिमा स्थापित कर देवालय बनवाया था। चच देव सामर वंश के चौहान राजा दुर्लभराज, जो सिंहराज के पुत्र थे, उनके सामंत थे। किंसरिया गांव में विक्रम संवत 1056 यानी बैसाख शुद्धि 3 को यानी 999 ईस्वी का राणा चच का एक शिलालेख मिला है, जिस पर किंसरिया गांव में इस भवानी मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। ईस्वी 999 के अंदर इस मंदिर को पर्वतसर परगना के महाराजा चच देव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके पहले बताते हैं, इसके पहले कोई राजा केवाट करके मंदिर के अंदर यहाँ तपस्या की थी। राजा केवाट ने तपस्या की थी चौहान वंश के अंदर। चौहान वंश में राजा केवाट ने तपस्या की और वो इसके ये सामंत थे, उनके चौहानों के दैया परिवार थे जो सामंत थे इनके, अजमेर का जब ये परगना अजमेर के शासन अधिकार में था उस वक्त, उस वक्त ये सामंत थे उनके दहियों के और ये राजा उनके चच राजा थे, पर्वतसर के राजा थे। तो केवाड़ राजा ने यह तपस्या की, उसके बाद के अंदर ये चच राजा पर्वतसर के चच राजा ने मंदिर का निर्माण करवाया। केवाड़ राजा को माता रानी के दर्शन हुए थे, उस वक्त दर्शन दिए माता रानी ने, उसने बोला माता रानी ने कि मेरा मंदिर का यह निर्माण करो। तो माता ने बोला कि ये माँ किस नाम से तेरा मंदिर का निर्माण करूँ? तो उसने बोला तेरा नाम केवाड़ है तो मेरा केवाई नाम से ही मेरा इस मंदिर का नाम करवा के केवाई माता के नाम से मंदिर बनवा। उसने आदेश दिया तो उस बाद में कई बार साल बाद के अंदर ये चच राजा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। पर्वतसर का राजा था, दहियों का राज था, ये दहियावाटी थी। आज के देखो ना, हजारों साल पहले ये रूपड़गढ़ से लगाकर ये मारवाड़ तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये दहियों के अधीन था। ये जी दहियों राजाओं का राज था उस वक्त। 350 वर्षों तक दहियों ने इस क्षेत्र के राज किया था। मुख्य देवालय से उत्तराभिमुख श्वेत संगमरमर से निर्मित केवाई माता, जिसे ब्राह्मणी माता भी कहा जाता है,
की भव्य कलात्मक प्रतिमा प्रतिष्ठित है। उसके समीप वाम पार्श्व में माता भवानी, जिसे रुद्राणी भी कहा जाता है, की प्रतिमा स्थापित है। यानी यहाँ पर गर्भगृह के अंदर केवाई माता की ब्रह्माणी और रुद्राणी के रूप में प्रतिमाएं स्थापित है। केवाई माता ब्रह्माणी, केवाई माता का ब्रह्माणी के रूप में उसकी स्थापना हुई थी। मंदिर की स्थापना के 713 वर्ष पश्चात अर्थात विक्रम संवत 1768 यानी 1712 ईस्वी के में जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह जी द्वारा